हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में फिर से आपका न्यू टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो चुकी है और जिन्होंने सीट ले ली है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है और उनको सेकेंड राउंड के रिजल्ट का वेट है। तो सेकेंड राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको सीट नहीं मिला और जिन्होंने अपग्रेड किया है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में शेयर करने वाला है, ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो आपको लगातार लास्ट तक देखना है, ठीक है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो सेकेंड राउंड का शेड्यूल है, क्योंकि आपको पहले भी पता है कि ICR काफी लेट चल रहा है, ठीक है, और इस बार जो पांच राउंड करवा रहा है, तो लास्ट ईयर तो जनवरी तक तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इस साल फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका काउंसलिंग चलने वाला है, ठीक है। तो आपकी क्लासेस जो है वो फरवरी सेकंड या थर्ड वीक तक ही स्टार्ट हो पाएंगी, ओके। तो इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड्स में गलती कर चुके थे कि जो डेट्स थी, ठीक है, क्योंकि ICR ज़्यादा टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और जो आगे का फीस पेमेंट के लिए ज़्यादा डेट्स नहीं देता है। 7 दिन में, मतलब मैक्सिमम 8 दिन में आपका एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फोकस में रखिए कि 8 दिन आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इस बार मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि कोई भी गलती आप मत करना, ठीक है। जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, उस डेट को आपका वेरिफिकेशन होगा। लास्ट फर्स्ट राउंड में आपका थोड़ा शेड्यूल चेंज किया गया था, लेकिन इस बार चेंज नहीं होगा, ओके। कम चांसेस है कि चेंज होगा। तो जिस डेट को, जैसे कि 2 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, तो 2 तारीख तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। अब बाद में स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर मैं हॉस्पिटल में बिजी था, मेरा हेल्थ इश्यू हो गया, मेरा वो इश्यू हो गया, मेरा ये इश्यू हो गया, वो आपका कोई भी नहीं सुना जाएगा, उसमें हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो जो डेट्स दी है उस डेट तक आपको एक्टिव रहना है। मैं ये देखिए रिजल्ट 30 तारीख को आने वाला है, उससे पहले ही वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप इस डाउट्स में या इस कंफ्यूजन में आपके नहीं रहे। पूरी डेट जो अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, वो आप अपने पेन कॉपी लेके अपने पास रख लीजिए, अपने दीवार में चिपका लीजिए कि इस डेट को हमें ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा, इस डेट को हमें रीसबमिशन करना होगा, इस डेट को हमें फीस पेमेंट करना होगा, और इस डेट को हमको अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा। सारी चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, ठीक है, तो डेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सारे स्टूडेंट्स के डाउट सोल्व किए। आपके भी यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हमारी टीम आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी डाउट्स है वो रहे। बेसिकली मैं राजेश कुमार, तो मैं भी एग्रीकल्चर ही फील्ड से हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका ICR UG PGN PhD के बारे में सारे डाउट्स है वो आपकी सोल्व हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास वीडियोज प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और जो भी डेट्स मैं आगे बता रहा हूँ वो अपना पेन एंड कॉपी लेके आप अपने पास रख लीजिए, उसी डेट को वो होना है, ठीक है। उस डेट से पहले पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। तो चलिए अभी आगे हम बढ़ते हैं और डेट वाइज हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि 30 तारीख को आपका रिजल्ट है आपकी ऑफिशियल साइट पे रिलीज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 30 तारीख को ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया है उनको दूसरा यूनिवर्सिटी कोर्स मिला है तो उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा, हालांकि फीस नहीं दोबारा देना है, ओके। तो 30 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 तारीख तक आप खुद जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। उसका लिंक में जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने पहले ही बताया लास्ट वीडियो में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 2 तारीख तक ही आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, उसके बाद में कोई भी डेट आपको नहीं मिलेगी। और 4 तारीख को आपका वेरिफिकेशन, जो भी कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे उनके द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि आपका गलत निकलेगा तो वो फिर से अपलोड करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और लास्ट डेट आपका जो है रीसबमिशन, मतलब आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स आपको 5 तारीख तक फिर से आपका चेकआउट हो जाएगा। अब ये नहीं है कि आपका लास्ट डेट 5 तारीख है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स 2 तारीख को डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड करेगा उसी का चेकआउट होने के बाद, ये नहीं है कि आपको 4 तारीख को फिर से टाइम दिया जाएगा कि अभी आप 2 तारीख तक नहीं किए हो तो मैं 4 तारीख कर पाऊंगा। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, अपने कॉपी पेन कॉपी में रख लीजिएगा कि लास्ट डेट 2 तारीख है, उसके बाद में यदि आपकी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा। यदि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो फिर उसके लिए आप सीधा मोपअप में पार्टिसिपेट लोगे, तो मोपअप में ये फिक्स नहीं है कि कितना सीट आपका BSc एग्रीकल्चर के लिए अपलोड अब बचेगा नहीं बचेगा, वो कोई भी डिसाइड अभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी ये गलती, सारी गलतियां नहीं करनी है, ओके। उसके बाद में आपका 5 तारीख तक हो जाएगा, 5 तारीख को वेरिफिकेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा, 6 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा आपके पास, आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा कि आपने सीट ले ली है। यदि आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फीस पेमेंट करना होगा 10,000, जिन्होंने पहले नहीं किया, फर्स्ट राउंड में नहीं किया उन्होंने, और जिनको पहली बार सेकंड राउंड में सीट मिलेगी उनको 10,000 रुपए पे करने होंगे, और वो पेमेंट है वो आपका फीस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग मान सकते
क्योंकि 23 तारीख तक आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा और 7 तारीख को आपका सेकंड राउंड लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपने मैंने जो डेट आपको बताई है वो डेट अपने पास दीवार पे रख लीजिए और ये नोटिस भी हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नोटिस को पूरा फॉलो करना है, यदि कोई भी आप गलती करोगे तो एक्स्ट्रा डेट्स आपको नहीं दी जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए थे वो डॉक्यूमेंट्स सारे आपके पास होने चाहिए, आपको सबमिट करने होंगे ऑनलाइन में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका रिप्लाई, आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई हमारी टीम देगी, लेकिन उसके लिए चैनल को आपको पहले सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि तभी हम आपकी रिप्लाई दे पाएंगे, ओके। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी डाउट्स है, कुछ भी डाउट्स हो, ए टू जेड डाउट्स आपकी सॉल्व की जाएगी, कमेंट बॉक्स में मेंशन करते चलिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आपको जो शेड्यूल है वो फॉलो ही करना होगा, कोई भी गलती करोगे तो डायरेक्ट मोपअप में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।